पता ही आज कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं क्या शिकायत लेके? हम इनके पास आए हैं शिकायत लेके, कलेक्टर के पास और कमिश्नर के पास और एसपी सर के पास भी आए हैं। तो इनको आवेदन देना है मुझे अतिक्रमण के मामले में। मध्य प्रदेश में मामा की बुलडोजर नीति कितनी सफल है, इस बेबस महिला की आप बीती सुनकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। दरअसल खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां एक लाचार और बेबस महिला अपने ही जमीन पर घर बनाने के लिए शासन प्रशासन के दर दर भटक रही है। आखिर क्यों? एक ओर तो सीएम शिवराज सिंह कहते हैं कि नियम विरुद्ध अवैध कब्जेधारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें खदेड़ कर हकदारों को हक देना है, तो फिर कहां है शिवराज मामा का बुलडोजर जो इस महिला को न्याय दिला सके। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला त्योंथर तहसील अंतर्गत चाकघाट का है, जहां दिव्या नामदेव पति राकेश कुमार नामदेव अपनी ही जमीन पर घर नहीं बना पा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीते दिनों इन सरहंगों से परेशान होकर अपने शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय भी पहुंची थी। शिकायतकर्ता के अनुसार शेर बहादुर सिंह पिता धनपत सिंह, जितेंद्र सिंह बजरंगी अनिल सिंह पिता संतोष सिंह, संतोष कुमार दुबे पिता राम खिलामन दुबे जो कि चाकघाट बॉर्डर के निवासी हैं, उन्होंने पूरे नामदेव परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैं नगर पंचायत चाकघाट तहसील त्योंथर की निवासी हूं। मेरे ससुर ठाकुर प्रसाद नामदेव के नाम से चाकघाट बॉर्डर में भूमि है। चाकघाट सिविल अस्पताल को भूमि मेरे ससुर द्वारा ही दान की गई थी। बची हुई भूमि के सामने वाले हिस्से में एवं शासकीय रोड तरफ शेर बहादुर सिंह, मिस्टर जितेंद्र सिंह, संतोष कुमार सिंह, अनिल सिंह, संतोष कुमार दुबे, लाल जी केसरवानी, मनोज केसरवानी, नागेश्वर दुबे एवं अन्य सभी निवासी चाकघाट बॉर्डर द्वारा जबरन अतिक्रमण कर टीन टपरा बाड़ी एवं दुकान बनाकर कब्जा किया गया है। इसके निर्णय हेतु प्रबंधन MPRDC द्वारा हटाए जाने हेतु निर्णय लिया गया, जिसके पालन हेतु माननीय तहसीलदार त्योंथर द्वारा दिनांक 27 मार्च 2022 को हटाने की प्रक्रिया हेतु आदेश जारी किया गया था, लेकिन उक्त दिनांक को अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे अतिक्रमणकारियों का मनोबल और बढ़ गया है और 31 मार्च को उन्होंने मेरी भूमि पर JCB से मिट्टी डालकर और आगे कब्जा करने लगे हैं। इसकी शिकायत मैं थाना चाकघाट करने गई, जहां कहा गया है कि हम बिना स्टे के कुछ नहीं करेंगे, जबकि उक्त अतिक्रमण हटाए जाने हेतु आदेश था। तब मैंने SDM साहब और SDOP महोदय त्योंथर को फोन पर जानकारी दी, लेकिन यहां से भी निराशा ही हाथ लगी। फिर मैंने तहसील त्योंथर से स्टे लिया, तब तक मैं अतिक्रमणकारियों द्वारा मिट्टी ज्यादा मात्रा में मेरी जमीन में पाट ली गई थी और आज भी आगे अतिक्रमण कर रहे हैं। उक्त अतिक्रमणकारी इतने सरहंग हैं कि पटवारी RI वहां जाकर न्याय की बात नहीं कर पाते। 31 मार्च 2022 को मेरे पति से एवं 14 जनवरी 2022 को कई लोगों द्वारा अतिक्रमणकारी सरगना चाकघाट बॉर्डर के द्वारा धमकी दी गई कि जमीन को भूल जाओ, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे, अतिक्रमण तो नहीं हटाएंगे चाहे जितने लोगों को जान से मारना पड़ जाए। तब से मेरे घर वाले डरे और सहमे हुए हैं, अगर मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शेर बहादुर सिंह, जितेंद्र सिंह बजरंगी अनिल सिंह एवं संतोष कुमार दुबे की होगी। शिकायतकर्ता ने आगे यह भी कहा है कि शिवराज मामा का बुलडोजर जो मुझे न्याय दिला सके कहां है, अगर शासन प्रशासन ने उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द उचित कार्यवाही नहीं की तो मेरे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन ने चुप्पी क्यों साध रखी है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा है कि नियम के विरुद्ध अवैध कब्जेधारियों को खदेड़ कर हकदारों को हक देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। बताइए आज कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं क्या शिकायत लेके? हम इनके पास आए हैं शिकायत लेके, कलेक्टर के पास और कमिश्नर के पास और SP सर के पास भी आए हैं। तो इनको आवेदन देना है मुझे अतिक्रमण के मामले में। क्या अतिक्रमण कहाँ क्या किया गया? सर हमारे यहाँ अतिक्रमण किया गया है और हर जगह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो कि हमारे पास MPRDC से आदेश, तहसीलदार से आदेश, SDM के यहाँ से भी आदेश है, और जबकि उसमें भी आदेश होने के बावजूद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। इसके पहले और कहाँ कहाँ शिकायत की इसकी आप? हमने कई बार कलेक्टर ऑफिस में भी शिकायत किए हैं और सर कमिश्नर ऑफिस में भी किए हैं, SDM सर के पास, तहसीलदार के पास कई बार गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, आदेश होने के बावजूद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। आपको क्या लगता है किन कारणों से नहीं हटाया जा रहा? अब ये राजनीतिक दबाव है, राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि आदेश होने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हट रहा है, तो इसको क्या सोचा जाए? SP के यहाँ मिलने आए थे, क्या दिक्कत है? सर SP के पास भी उम्मीद लेके ये आए हैं कि मुझे अतिक्रमण वालों के द्वारा मारपीट की धमकी दी गई है कि अतिक्रमण हटाने की कोशिश करेंगे, जान से मार देंगे आपको, अगर इस अतिक्रमण को हटाएंगी आप तो हम आपको जान से मार देंगे, कई बार मुझे धमकियां दी गई हैं, इसलिए मैं SP सर के पास भी आए हैं आवेदन लेकर के। क्या नाम है आपका? दिव्या नामदेव।